हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टैटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों त्रिपुरा और मेघालय के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या वन लाइनर हैं उनके बारे में। दोस्तों सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है, इस वीडियो को बहुत ही छोटे तरीके में बनाया गया है ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाएं उसके पहले आप एक या दो बार ये वीडियो देख लें तो आपको पूरे फैक्ट याद हो जाएंगे। और साथ ही जितने भी क्वेश्चन अगर SSC पूछ रही है या कोई भी एग्जाम कब बन रहा है, यहाँ से आपके कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये मेघालय है और ये त्रिपुरा है, इन दोनों राज्यों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे वो रेलवे का हो, SSC का हो या बैंक का हो, जहाँ पर भी स्टैटिक GK पूछा जाता है वहाँ आपका ये बेस्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि इसको छोटे रूप में बनाया गया ताकि जल्दी आप रिविजन भी कर सकें। तो चलते हैं बिना समय गए आगे। सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे त्रिपुरा की। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि किस किस राज्य से इसकी सीमा लगती है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पहले तो आप ये देख पा रहे होंगे बांग्लादेश की सीमा लगती है, यहाँ से मिजोरम से इसकी सीमा लगती है और यहाँ से असम से त्रिपुरा की सीमा लगती है। तो इन तीन राज्यों से असम की सीमा लगती है, साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। सबसे पहले बात करें राजधानी की, तो अगरतला राजधानी है। जनसंख्या घनत्व 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं लिंगानुपात 960 महिला प्रति 1000 पुरुष हैं। और उच्च न्यायालय गुवाहाटी है, लेकिन खंडपीठ अगरतला है। यानी उच्च न्यायालय तो गुवाहाटी लगता है, लेकिन एक और न्यायालय जो खंडपीठ कहलाता है वह अगरतला में है। बात करें कुल जिलों की, तो त्रिपुरा में कुल 8 जिले हैं। वहीं उत्तर पूर्व में असम से, पूर्व में मिजोरम से और तीन ओर से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के बारे में मैंने आपको मैप में बताया, यही यहां पर दिखाया गया है। बात करें विधानसभा सदस्यों की संख्या की, तो 60 विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2 है और राज्यसभा के सदस्य की संख्या 1 है। राज्य के पशु फेरीज पर्ण बांगल यहाँ का राजकीय पशु है। राज्य के पक्षी में फेरी ब्लू बर्ड यहाँ का राजकीय पक्षी है। अगर राज्य के वृक्ष की बात की जाए, तो अगर राज्य के वृक्ष है और राज्य के फूल में नागेश्वर त्रिपुरा का राजकीय फूल है। पहले मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सह हुए त्रिपुरा के, वहीं प्रथम राज्यपाल AL द्यास हुए थे। राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है और राज्य की मुख्य भाषा बांग्ला और मणिपुरी है। क्योंकि आपको पता होगा यह बांग्लादेश के बहुत करीब है और तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए एक भाषा तो इसकी बांग्ला है और दूसरी मणिपुरी है। बात करें पर्यटन केंद्रों की, तो नीरमहल, सिपाहीजाला, माताबाड़ा, माताबाड़ी, डुबलर लेक, कमल सागर, जम्पुई सील, उनाकोटी, ये प्रमुख पर्यटन केंद्र है। बात करें झीलों की, तो रुद्रसागर और डुम्बर लेक ये यहाँ की त्रिपुरा की झीलें देखने को मिलेगी। अगर बात करें कला की, तो चिरोला नामक बांस नृत्य यहाँ की प्रमुख कला है और ये दोस्तों एग्जाम में पूछा ही जाता है। SSC का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर कला, झील, त्योहार, जनजातियाँ, इन सभी के बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बात करें सिंचाई परियोजना और जल विद्युत परियोजनाओं की, तो भानु, खोवई और गोमती, ये तीन प्रमुख परियोजनाएं आपको त्रिपुरा में देखने मिलेगी। आपको याद रखना है भानु, खोवई और गोमती, ये तीनों परियोजनाएं त्रिपुरा में हैं। बात करें त्योहार की, तो आपको खर्जी पूजा और लाई हरुवा, ये दोनों त्योहार त्रिपुरा में देखने मिलेंगे, जिसमें से लाई हरुवा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोक नृत्य में होजगिरी, गारमारिया, गारिया, मशक और सुमानी। एक बार फिर आपको बता दूं, लोक नृत्य में होजगिरी, गारिया, मशक और सुमानी ये प्रमुख लोक नृत्य त्रिपुरा के हैं, जिसमें से दोस्तों मारिया, होजगिरी, मशक ये प्रमुख हैं जो पूछे ही जाते हैं। कम से कम SSC के एग्जाम में तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, बायसन राष्ट्रीय उद्यान और तृष्णा नेशनल पार्क, ये आपको त्रिपुरा में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चारों राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम स्टडी यूनिवर्स है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके एग्जाम में कहीं भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और जनजातियों के बारे में, तो चकमा, गबरू, हलाल, कुकी, लुशाई, संथाल, रियांग, जामतिया, हलाम, नोआ ताइया, ये प्रमुख जनजातियां आपको त्रिपुरा में मिलेंगी। देश का पूर्णतः जैविक शहर अगरतला बना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, देश का पूर्णतः जैविक स्टेट जो बना है वह सिक्किम है, लेकिन देश का पूर्णतः जैविक शहर अगरतला बना है।
मैत्री सेतु का निर्माण फैली नदी पर त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच है जो फैनी नदी पर है। कुछ और फैक्ट की वन लाइनर्स की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर और मेघालय के साथ इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ अगरतला में, ये मैंने आपको बता ही दिया है। हथकरघा इस राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये तो बात हुई दोस्तों त्रिपुरा के बारे में, अब बात करते हैं मेघालय के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेघालय की लोकेशन भारत की मैप में, अब बात करते हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि मेघालय की सीमा किस किस राज्य से या किस देश से लगती है, तो इस तरफ से तो सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश से, और बाकी ओर से यह असम से घिरा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि असम से मेघालय टच है और बांग्लादेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मेघालय से टच करती है। बात करते हैं नेक्स्ट राजधानी की, तो शिलोंग यहाँ की राजधानी है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। राज्यसभा की एक और लोकसभा की दो सीटें आपको मेघालय में देखने मिलेंगी। राज्य के पशु धूमिल तेंदुआ है, राज्य के पक्षी मैना है, राज्य के वृक्ष गमारी है, और राज्य के फूल लेडी चप्पल ऑर्किड है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो असम पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश में बांग्लादेश यहाँ का पड़ोसी देश है। लोक नृत्य की बात की जाए तो मेघालय में कसाद सुख, मनसेम, लाहो, नोंग्रेम और खासी, ये प्रमुख लोक नृत्य आपको मेघालय में देखने के लिए मिलेंगे। बात करें त्योहार की तो बहनदीन लखम, नोंग्रेम, चेरी ब्लॉसम और खासी, ये आपको त्योहार मेघालय में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों जैसे खासी है तो ये लोक नृत्य और त्योहार ये दोनों है, तो आपको यहाँ से याद होना हो जाना चाहिए कि मेघालय में ही ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो बालक पकरेम, नोंग्रेक और सिजू, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको मेघालय में देखने के मिलेंगे। इसके अलावा जनजातियों की बात की जाए तो गारो, खासी, चैंतिया जनजातियाँ, जो आपको ये यहाँ की पहाड़ियाँ भी हैं साथ ही जनजातियाँ हैं, तो गारो, खासी, चैंतिया, भोई, लवांग, नामदुंग, ये पहाड़ियाँ आपको मेघालय में मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी, तो नेक्स्ट वन लाइनर फैक्ट यही है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें से गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नोंग्रेक शिखर है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये पेज तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और जनजातियाँ, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, और नोंग्रेक शिखर के बारे में आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते कुछ और वन लाइनर फैक्ट की, तो भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। जयंतिया पहाड़ी कोयला हेतु प्रसिद्ध है, हैप्पी वैली मेघालय में आपको देखने मिलेगी। ज्यादातर स्थान आपको खासी पहाड़ियों में मिलेंगे, जैसे शिलोंग, यानी शिलोंग राजधानी मेघालय की, ये जो ज्यादातर बस्तियां हैं या रहने वाले लोग हैं वो आपको खासी पहाड़ी पर ही मिलेंगे। भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज मेघालय में बनाया गया है। जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य मेघालय है। उमियम झील का अन्य नाम बारापानी है, आपको पता होना चाहिए उमियम झील मेघालय में ही स्थित है, जिसका अन्य नाम बारापानी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की त्रिपुरा और मेघालय के इम्पोर्टेंट फैक्ट। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।